साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच में दोस्तों 15th ओडीआई मैच खेले जाने वाला है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पे। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, ज्वाइन पक्का से कर लीजिएगा। बाकी बात करूं दोस्तों आप लोगों से यहां पर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के स्टार्ट्स के बारे में, तो यहां पर इंग्लैंड की टीम ने 364 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे और बांग्लादेश की टीम इस रन को चेस करते वक्त पूरी कोलैप्स्ड हुई थी। सेम कंडीशन दोस्तों जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है ना अभी पर, यहां पर इस वेन्यू पे अच्छे खासे रन बना लेगी। वही नीदरलैंड्स की टीम आएगी तो वही 200 से 250 के बीच में आप लोगों को रन दिखेंगे। बाकी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की अगर बात करूं दोस्तों, यहां पर अगर आप लोग देखोगे साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 पे क्वेंटन डिकॉक, टेम्बा बाउमा ओपन करते हैं, फिर रेसी वेंदर दूसरे नाते हैं, फिर एडल मार्करम आएंगे, फिर हेनरिक क्लासेन आएंगे, फिर डेविड मिलर आएंगे, फिर मार्को जेनसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी निगड़े और तब्रिश शामशे आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे। वहीं बात करूं दोस्तों नीदरलैंड की प्लेइंग 11 की, तो मैक्स ओडाउट और विक्रमजीत सिंह ओपन करते हुए दिखते हैं, कॉलिन एकरमैन फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आते हैं, फिर बेसडेल लीडी दिखेंगे, फिर तेजा नीडा महारू दिखते हैं, फिर स्कॉट एडवर्ड दिखते हैं, फिर लास्ट मैच में आप लोगों को स्काई ब्रेंड एंजल ब्रेच दिखे थे, उसके बाद आप लोगों को रिलॉ फेंडर मॉवे दिखेंगे, रयान क्लेन दिखते हैं, आर्यन दत्त दिखते हैं और पॉल वेन मेकरन दिखते हैं। बाकी दोस्तों एक सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है, माई 11 सर्कल ऐप पर ना आज आप लोगों के रिक्वेस्ट पे एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जिस कॉन्टेस्ट को आप लोग हारोगे ही नहीं, मतलब गारंटेड कॉन्टेस्ट है कि इस पे आप लोग जीतोगे ही जीतोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, लिंक के थ्रू अगर आज आप लोग माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करते हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल कॉन्टेस्ट एक्टिवेट होगा जहां पर आप लोगों ने गारंटेड कैश अवार्ड विन करना है। बाकी मेगा ग्रैंड लीग पे यहां पर 1 करोड़ का कैश अवार्ड और एसयूवी कार, यूरोप ट्रिप, दुबई ट्रिप, बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। नीचे दिए गए लिंक के थ्रू पक्का से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मेरे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो और क्रिक23 कोड को यूज करते हो तो 20% रियल एक्स्ट्रा कैश मिलता है, मतलब 1000 रुपए अगर वॉलेट पे डालते हो क्रिक23 कोड को यूज करते हो तो 1200 रुपए मिलेंगे। बाकी जीएसटी के टेंशन नहीं लेना दोस्तों, यहां पर जीएसटी आप लोगों ने पे नहीं करना है। बाकी दोस्तों आप लोगों को 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस भी मिलेगा अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करोगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को साउथ अफ्रीका की टीम पे क्वेंटन डिकॉक और हेनरिक क्लासेन दिखेंगे। क्वेंटन डिकॉक ने लास्ट के दोनों मैच में यहां पर सेंचुरी बनाई है। बाकी बैट्समैन को फेवर करती हुई पिच है, नीदरलैंड की बॉलिंग लाइनअप भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो यहां पर आप लोगों को क्वेंटन डिकॉक एक मस्ट पिक दिखेंगे। हेनरिक क्लासेन की अगर मैं बात करूं तो टीम फर्स्ट इनिंग्स में अगर बैटिंग करने आती है तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि 40 ओवर के बाद इन्हें प्रमोट भी किया जा सकता है, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। बाकी सेकंड इनिंग्स में अगर टीम चेस करने आती है तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं स्कॉट एडवर्ड की अगर मैं बात करूं तो 4-25-1-0-30, बाकी हेड टू हेड 3 मैच में 42 का बेस्ट स्कोर है, 23 का ही एवरेज है, उतने इंपॉर्टेंट ये भी लग नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम पे दोस्तों आप लोगों को टेम्बा बाउमा, रेसी वेंदर दूसेन और डेविड मिलर दिखते हैं। यहां पर देखो टेम्बा बाउमा का हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 2 मैच पे 96 का एवरेज है, 90 नॉट आउट बेस्ट स्कोर है, इस बात को ध्यान रखेगा। बाकी रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, बट यहां पर नीदरलैंड के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेगा। टेम्बा बाउमा, हेनरिक क्लासेन आप लोगों के ऊपर चॉइस है, बट टेम्बा बाउमा एक अच्छे पिक बन सकते हैं इस मैच पे, ध्यान रखिएगा। बाकी रेसी वेंदर दूसेन की अगर मैं बात करूं तो ये मस्ट पिक रहेंगे दोस्तों, इन्हें आप लोगों ने पिक करके ही चलना है। डेविड मिलर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे क्योंकि डाउन द लाइन काफी नीचे खेलने आते हैं। बाकी 8-82-63-39-17 3 मैच में 51 के एवरेज से तो खेले हैं, बट मौका मिलने के चांसेस कम है। वही बात करूं नीदरलैंड की टीम की तो यहां पर आप लोगों को मैक्स ओडाउट दिखते हैं, विक्रमजीत सिंह दिखते हैं और तेजा नीडा मारू दिखते हैं। किसी का भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, 35-20-33-5-16 ड्रॉप किया जा सकता है। विक्रमजीत सिंह को देखोगे 110-40-13-52-12 इन्हें भी ड्रॉप किया जा सकता है। तेजा नीडा मनारू की अगर मैं बात करूं तो 2-10-0-5-21 इन्हें भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो बैटिंग वाले सेक्शन से यहां पर साउथ अफ्रीका के टीम से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं टेम्बा बाउमा और रेसी वेंदर दूसेन। बाकी बात करते हैं दोस्तों अब ऑलराउंडर वाले सेक्शन की।
ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे आप लोगों को दोनों टीम पे इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका की टीम पे आप लोगों को दिखते हैं एडल माक्रम और मार्को जेंसन, दोनों को पिक करके चलना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर एडल माक्रम की अगर मैं बात करूं तो 93/106/56 मतलब बहुत अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं, उससे पहले भी सेंचुरी मारकर आए थे, दो मैच में देखोगे 3 विकेट निकाला है, सेंचुरी भी बनाया, इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों एडल माक्रम, कैप्टन के भी अच्छे कंटेंडर रहते हैं। बाकी मार्को जेंसन जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, यहां पर अच्छे खासे विकेट निकाल सकते हैं, हो सकता है इस मैच पे आप लोगों को मार्को जेंसन 3 से 4 विकेट भी इजिली निकालता हुआ दिखे। लंबे प्लेयर है दोस्तों, अच्छे हाइट से बॉलिंग कराते हैं, स्विंग कराते हैं, लेफ्ट हैंडेड है, इसीलिए अच्छे खासे विकेट्स मिलता है, बैटिंग की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी इस मैच में, बट विकेट्स निकाल कर देंगे, मस्ट पिक प्लेयर है, टीम पर लेकर ही चलिएगा। बात करूं नीदरलैंड की टीम की तो यहां पर कॉलिन एकरमैन दोस्तों ये एक अच्छे प्लेयर है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक मैच में 17 रन और 2 विकेट, दूसरे मैच में 69 रन, बाकी हेड टू हेड एक मैच खेला है जिसमें 0 का ही एवरेज है, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है कॉलिन एकरमैन। बेस्ट डीडी की अगर मैं बात करूं तो टीम का, नीदरलैंड की टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों बेस्ट डीडी, बॉलिंग पे भी 10 ओवर करके देगा, बैटिंग पे भी अच्छी बैटिंग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मस्ट पिक प्लेयर होगा दोस्तों बेस्ट डीडी। और बेस्ट डीडी भी कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर है, कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर अगर आप लोग पूछोगे, क्वांटन डीकॉक हो गया आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए रेसी वेंदर दूसेन हो गया, एडल माक्रम हो गया और बेस्ट डीडी रहेंगे। बाकी दोस्तों एंगल ब्रेच की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो एक ही मैच खेला है जिसमें इन्होंने 29 रन बनाया था, बॉलिंग नहीं किया था, इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बैट्समैन ना साउथ अफ्रीका के बॉलिंग लाइनअप के आगे स्ट्रगल करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी गिव अवे का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बताना है बेस्ट डीडी इस मैच में कितना रन बनाएगा, अगर आप लोगों को लगता है 70 रन बनाएगा और 2 विकेट लेगा, 20 रन देकर, 18 रन देकर, जैसे भी आप लोगों को लगता है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब सही हुआ तो आप लोग यहां पर 50,000 रुपए का कैश अवार्ड विन कर सकते हो। बाकी बात करूं दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन की तो यहां पर साउथ अफ्रीका के टीम पे आप लोगों को केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और तब्रिज शामसी दिखेंगे, चारों को पिक करके चलना है दोस्तों, ठीक है ना, चारों को पिक करके चलना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी को भी ड्रॉप नहीं मिल कीजिएगा आप लोग, क्लियर। वही बात करूं दोस्तों आप लोगों से नीदरलैंड के बॉलिंग लाइनअप पे ना, तो यहां पर आप लोगों को रिलॉफ वेंडर बर्वे दिखते हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे, रियान क्लेन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो विकेटलेस गए थे, इन्हें ड्रॉप कर दीजिएगा, पॉल वैन मिकरन इंपॉर्टेंट रह जाते हैं अगर नीदरलैंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है, उस कंडीशन में आप लोगों को विकेट निकाल कर दे सकते हैं। बाकी आर्यन दत्त भी फर्स्ट इनिंग्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें भी 2 विकेट, मतलब अगर फर्स्ट इनिंग्स पे टीम नीदरलैंड की बॉलिंग करने आती है ना तो पॉल वैन मिकरन और आर्यन दत्त को आप लोगों को पिक करना होगा, उस कंडीशन पे आप लोगों को साउथ अफ्रीका के जो बॉलिंग लाइनअप है ना, चाहे बात करूं कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, तब्रिज शामसी और केशव महाराज, किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, किसे ड्रॉप नहीं करना है बिल्कुल भी, कगिसो रबाडा को ड्रॉप नहीं करना, केशव महाराज को ड्रॉप नहीं करना, तब्रिज शामसी ही एक ऑप्शन रहेगा, मतलब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा किसी को भी ड्रॉप मत कीजिएगा, क्लियर। बाकी अभी के टाइम पे जो मेरी टीम है वो कुछ ऐसी है, उसे देख लीजिए, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर क्वेंटन डीकॉक है, टेम्पा बहुमा, रेसी वेंदर दूसेन है, बाकी कॉलिन एकरमैन है, एडल माक्रम है, बेस्ट डीडी है, मार्को जेंसन है, बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे केशव महाराज, कगिसो रबाडा, तब्रिज शामसी और लुंगी एनगिडी है। कैप्टन का कंटेंडर दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक क्वेंटन डीकॉक है, एक रेसी वेंदर दूसेन है, एक एडल माक्रम है और बेस्ट डीडी है, ये चार प्लेयर दिख रहे हैं ना आप लोगों को, इन्हीं पे आप लोगों ने सीवीसी बनाकर इस मैच को खेलना है। बाकी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आप सभी लोगों के लिए गारंटेड विन कॉन्टेस्ट है, जिस कॉन्टेस्ट पे आप लोग हार नहीं सकते हो। एक्टिवेट कैसे होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, लिंक को क्लिक करोगे तो आप लोगों के लिए ये कॉन्टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।